हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस रहा है। फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एक नया नोटिस आया। मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिए गए हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9896160956। लेकिन व्हाट्सअप करने से पहले एक बात जरूर जान लीजिए कि स्टडी मटेरियल के कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर वो चार्जेस पे करने के लिए रेडी हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, अदरवाइज आप हमें मैसेज मत कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, डेट ऑफ पब्लिकेशन 15 जून था और 20 जून को ये इसके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरने। 4 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट और 8 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए आपको सारी चीज़ अच्छे से बता देता हूँ कि किस चीज़ के बारे में ये पोस्ट है। फ्रेंड्स, 1624 पोस्ट हैं, याद रखिए। 1624 पद हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। तो इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आप लोग यहाँ के जो फिल कर सकते हैं फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता देता हूँ इसके अंदर, कि इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी जो है इसके लिए ब्रांचेज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन सी ट्रेड्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये इरिगेशन एंड वाटर WR डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकूला के अंदर है। 617 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की सिविल के लिए। ये तो पहली चीज़ होगी फ्रेंड्स। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास बीटेक होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीजें हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 42 साल तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। 10th के अंदर हिंदी और संस्कृत होना जरूरी है। फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 35 पोस्ट हैं, याद रखिए। यहाँ पर इसके लिए आपके जो इसकी सैलरी देख लीजिए, 35,400 से 1,12,400 रुपये तक इसकी सैलरी है। और PWD की एक पोस्ट है, यहाँ पर याद रखिए। और क्वालिफिकेशन क्या, मैकेनिकल के लिए 3 साल का या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए 3 साल की। तो दोनों हो तो भी चल जाएंगे, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के अंदर आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी जरूरी है। और 17 से 42 साल तक का कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसकी सैलरी भी सेम है, तो याद रख लीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 34 पोस्ट है यहाँ पर। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा या 3 साल की डिग्री, कुछ भी आपके पास आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम सैलरी यहाँ पर। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 4 म्यूनसिपल कमेटी या काउंसिल, इसके लिए ये ULBD है हरियाणा पंचकुला के अंदर, इसकी पोस्ट 27 पोस्ट है, याद रखिए। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल इंजीनियर के अंदर और आपके पास 10th होनी जरूरी है या फिर संस्कृत। 17 से 42 साल तक का कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 42 ईयर तक तो ठीक है, लेकिन SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए छूट है, तो ये याद रख लीजिए। 53 यहाँ पर पद हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग से दे रखे हैं, तो ध्यान रखिए। 9 पद यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए दे रखे हैं। 6 पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए दे रखी हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो पे स्केल है, इनकी थोड़ी पे स्केल कम है, यहाँ पर ध्यान, ये लिख दीजिए 34,800 तक है। हॉर्टिकल्चर के अंदर 5 पोस्ट हैं, याद रख लीजिए यहाँ पर ये भी। और हेफर डिपार्टमेंट के अंदर 2 पोस्ट इलेक्ट्रिक की है। तो फ्रेंड्स, ये सारी पोस्ट मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। 5 पोस्ट यहाँ पर सिविल के लिए, फिर से जूनियर इंजीनियर के लिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट हैं, तो याद रखिए टोटल 1640 पोस्ट हैं और 1640 पदों के लिए एग्जाम होगा। कुरुक्षेत्रा डेवलपमेंट बोर्ड कुरुक्षेत्रा, इसके लिए 1 पोस्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाल रहे हैं HSSC। लेकिन मैं आपको क्लियर करने का भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से क्लियर कर पाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। 33 पद हैं सिविल इंजीनियर के लिए, यह हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के अंदर है। 3 पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये भी हाउसिंग बोर्ड के अंदर है। मैकेनिकल की कोई वैकेंसी नहीं है हाउसिंग बोर्ड में। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, यहाँ पर 12 पद हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, और उसके अलावा 2 पद हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। HYPNL हरियाणा, यहाँ पर 33 पद हैं, तो ये भी देख लीजिए। और इसके अंदर जो है 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। तो फ्रेंड्स, सभी इसके अंदर जो है 60% की जो है मिनिमम 60% होना चाहिए, लेकिन और किसी के अंदर ये जो है ये यहाँ पर कंडीशन नहीं रखी गई थी। 165 पद हैं कैटेगरी नंबर 17 के लिए इलेक्ट्रिकल के, ये भी याद रख लीजिए फ्रेंड्स। अप्लाई कीजिए अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल का, और यहाँ भी 60% का क्राइटेरिया, याद रखिए भी। 18 से 42 साल तक का कोई भी अप्लाई कर सकता है, काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर। 13 पद है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, 31 पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर हरियाणा में 6 पद हैं सिविल के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिए। और जिस जिसके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, यहाँ पर ये 22 कैटेगरी हैं, और भी कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट जो इसकी फीस है वो किस तरह से पे करनी है, अलग अलग पे करनी है, वो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता देता हूँ। अभी मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। जो सिविल के लिए मैक्सिमम पोस्ट हैं फ्रेंड्स, वो है सिविल के लिए, तो ये याद रख लीजिए कि सिविल के लिए सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद मैकेनिकल के लिए पद हैं,
फिर आगे कम होते होते जा रहे हैं फ्रेंड्स, कि किसी के लिए 10 पद है, किसी के लिए 12 पद है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिए। डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के लिए भी 130 पद हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि सिविल के अंदर बहुत बड़ा जो नौकरियों का पिटारा खुला हुआ है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोग तैयारी कर पाएंगे तो आसानी से आप लोग जो है इसके अंदर एक पोस्ट ले पाएंगे। चलिए मैं आपको फीस डिटेल बताता हूँ, फीस स्ट्रक्चर आप कैसे फी पे करेंगे। कैटेगरी 1 से 35 के लिए आपको एक ही बार फीस पे करनी है, ये याद रखिए, 150 रुपये मेल फीमेल जनरल कैटेगरी, फीमेल हरियाणा की तो 75 रुपीज, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्जेस नहीं है, SC BC हरियाणा के लिए 35 रुपीज मेल और 18 रुपीज फीमेल। तो ये आप याद रखिए कि एक ही बार फीस भरनी है, 35 कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी नंबर जो है CAT लिखा होता है 35 है, आपको एक ही बार फीस पे करनी, बार बार फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ये नाम देख लीजिए कि न्यू कैटेगरी कौन कौन सी ऐड की गई यहाँ पर, जो बाकी तो पहले वाली है लेकिन ये जो न्यू कैटेगरी ऐड की गई है, और इसके अंदर जो क्राइटेरिया देख लीजिए एग्जाम का, 90 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, 10 मार्क्स का जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है जो 10th मार्क्स को दिए जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो सिलेबस की बात करते हैं, 90 मार्क्स ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, 75% वेटेज ऑफ जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्न रेलिवेंट सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स आपकी जो 75% वेटेज है ये ध्यान रख लीजिए कि इसके अंदर जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और कंसर्न, मतलब जैसे आप सिविल के लिए हैं तो सिविल के 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैकेनिकल के तो 5 से 7 क्वेश्चन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के आ सकते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए। अब 25% वेटेज किसको दी गई है, हरियाणा की हिस्ट्री को, करंट अफेयर हरियाणा का, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा, तो 25% वेटेज इसे दी गई है, तो ये ध्यान रख लीजिए, इसके आपको ध्यान में होना चाहिए। ये फ्रेंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये 10 मार्क्स आपको पता है जैसे बाकी एग्जाम्स के अंदर है वैसे इसके एग्जाम्स के अंदर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स मिल सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, 0.5 मार्क्स हर साल के लिए, तो याद रख लीजिए। एग्जामिनेशन शेड्यूल 13 से 18 अगस्त तक, 13 जुलाई से 18 अगस्त तक एग्जाम होते रहेंगे फ्रेंड्स। अप्लाई करने का लिंक नीचे दिया गया, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल के लिए विजिट कर सकते हैं www.studymasterofficial.com, लिंक नीचे दिया गया। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको सारे नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। अब जल्दी से HSSC के लिए लेक्चर सीरीज शुरू होने वाली है, अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से लेक्चर सीरीज शुरू कर दी जाए तो आपको HSSC की स्पेशल लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, पहले भी सीरीज चल रही है वो भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट नीचे दी गई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन।